तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप जो अभी प्रीव्यू में देखें ऐसा स्टेटस अपने फोन से आप कैसे के बनाएं और सीख, मतलब पूरा फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप, मतलब वीडियो के साथ आपको बने रहना है, पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हमारा गाइस गेमिंग चैनल आ चुका है जिसका नेम है एटॉमिक गेमर्स। यहां पर गाइस आपको GTA 5 वीडियोस देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब GTA 5, साइबर पंक, बहुत सारे गेम्स है, हाई ग्राफिक्स। एनीवेज, चैनल को आपको विजिट कर लेना है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और गाइस, जो इस वीडियो में बनाने में जितना मटेरियल्स लगा है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऑल मटेरियल्स लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ब्लॉगर का सबसे नीचे चले जाएं, सबसे नीचे जाने के बाद आपको रेड कलर का डाउनलोड बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। और गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि हमारा फेसबुक पेज पे ये जो आप प्रीव्यू में देखते हैं स्टेटस, ये अपलोड होता है। तो फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करने की मन है तो कर लें, पहले इंस्टा पे कर लीजिए। तो चलिए गाइस, आज का जो ये स्टेटस है इसे बनाने सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे KM लिंक है इस वीडियो का, मतलब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लें जो मैं अभी चला रहा हूँ। अब गाइस, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, देन आपको 9:16 रेशियो को चूज करना है। अब सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर फिल स्क्रीन देखने को मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस, आपको राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जिस इमेज पर स्टेटस बना रहे हैं आप सिंपली उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं कुछ ये वाला इमेज को इंपोर्ट कर देता हूँ, देन इसका ड्यूरेशन को मैं बढ़ा देता हूँ, जितना दूर आपका मतलब ये स्टेटस बनाना चाहते हैं आप सिंपली उसका ड्यूरेशन को उतना दूर कर दें। तो मैं फिलहाल इसका ड्यूरेशन को बढ़ा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर गाइस आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इंपोर्ट करना है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का कैसा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। तो यहाँ पर मैं एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ, देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। तो आपको ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इंपोर्ट करना है और गाइस आपको इसी के अंदर ऑडियो भी देखने को मिल जाएगा। बहुत बंदे कमेंट करते हैं भाई ऑडियो कहाँ है, ऐसा नहीं होता गाइस, वीडियो के अंदर ही आपको सॉन्ग देखने को मिल जाता है। मतलब बंदे को ऑडियो भी दो अलग से, बंदे को वीडियो भी दो, ऐसा नहीं है, उसी के अंदर दे देते हैं, उतना लफड़ा करके कोई फायदा नहीं है ना। ओके, अब यहाँ पर आपको इस जगह पे क्लिक करना है जहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन है, देन इस जगह पे क्लिक कर लें, ये फिट हो जाता है। अब यहाँ पर गाइस आपको देख सकते हैं स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है और इससे आपको सिंपली एनेबल कर देना है और ऊपर का 28 नीचे का 50 रहने देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको सॉन्ग को प्ले करना है और सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है कहाँ पर मतलब स्प्लिट ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आपको मतलब पता चल जाएगा, आपको मतलब 6 कुछ इस टाइम पर आपको आ जाना है, 6.094 सेकंड पर, देन फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पर पहले मार्क कर लेना है, इस टाइम पर चले आ जाना है 6.049, देन आपको वो जो लाल रंग का मार्क है वो टाइमलाइन पे क्लिक करना है तो वहाँ पर मार्क हो जाता है। अब आपको इस जगह पे क्लिक करके स्प्लिट कर देना है, मतलब फोटो को, मतलब फोटो पे क्लिक करें, कट का ऑप्शन पर जाएं, स्प्लिट करें। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन बन गया है, इस पर क्लिक करना है, गेट मोर पर चले जाना है, अपने इंटरनेट को ऑन करना है, देन आपको यहाँ पर चले जाना है एक्शन बटन मतलब जो भी है उस पर, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको शेक इट इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इस शेक इट इफेक्ट को डाउनलोड करना है। वेल गाइस, मैं शेक इट इफेक्ट को ऑलराइट मतलब ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आपको शेक इट इफेक्ट का कुछ ये वाला को चूज करना है, देख सकते हैं 3 नंबर। अब गाइज आप जब भी शेक इट इफेक्ट चूज करोगे तो आप देख सकते हैं आपका मार्क कुछ इस जगह पे है और आपका ट्रांजिशन इधर है, तो आपको इधर वाला फोटो पे क्लिक करना है, लेफ्ट वाला, देन आपको ट्रांजिशन को मतलब बढ़ा देना है, मतलब आपका जो ट्रांजिशन है वो मतलब जहाँ पर मार्क है उतना दूर आपको वो ट्रांजिशन को पहुँचा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका मार्क है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ट्रांजिशन भी है कुछ इस तरह। अब यहाँ पर आप प्ले करके देख लें, तो गाइज यहाँ पर आपको ये और थोड़ा बढ़ा देना है और ऐसा करके मैच करा लेना है फिर से प्ले करके। ऑलराइट गाइज, ये मैच कर चुका है। अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर एक स्पेशल इफेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करना है कुछ ये इफेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद इसका 3 सेकंड आप कट कर दें, स्टार्टिंग 3 सेकंड, देन आप क्या करें इसे आप होल्ड करके रखें, देन इसका मतलब प्रेस करने के बाद इसे स्टार्टिंग टाइम तक कर दें।
अब गाइस आपको इस वीडियो को ऐसे रोटेट करना है और इस तरह आपको वीडियो को फूल करना है। अब इसका ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर चले जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है और सबसे स्टार्टिंग टाइम तक पहुँच जाना है। अब आपको एक कलर फिल्ट मतलब कलर वीडियो को इंपोर्ट करना है जो कि कुछ आपका इस टाइप का रहेगा, मैं दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वीडियो का जहाँ पर आपका ट्रांजिशन लग रहा है उससे पहले आपको चले आ जाना है, मतलब देन कट का ऑप्शन पर चले जाना है और सेकंड वाला ट्रिम टू राइट इस पर क्लिक करना है। तो कट करने के बाद गाइस आपको वीडियो पर टैप करना है, इस जगह पर क्लिक करना है और इसे फिट कर लेना है। देन आपको इसका भी ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर चले जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब गाइस इस वीडियो का ही आपको आउट एनिमेशन पर चले जाना है और फेड करना है और इसे आपको 0.5 सेकंड तक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो कलर फिल्टर है, आपका कलर फिल्टर धीरे धीरे फेड हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब इस ट्रांजिशन जहाँ से है उससे पहले, ट्रांजिशन जहाँ से है देख सकते हैं, ट्रांजिशन मतलब यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन आएगा। तो मतलब ट्रांजिशन जहाँ से आ रहा है जैसे कि बीच पे है, तो उससे पहले जहाँ पर शुरुआत पे ही, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपका, कुछ इतना टाइम पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन का इतना टाइम पहले आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर गाइस आपको एक आग टाइप का वीडियो को इंपोर्ट करना है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का कैसा वीडियो है। तो यहाँ पर उस वीडियो को मैं फाइंड कर लेता हूँ पहले। सो गाइस आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है, मतलब इंपोर्ट करना है, देन आप इस जगह पर क्लिक करके फिट कर लें, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चले जाएं, स्क्रीन पर क्लिक करें। अब आपको इस टाइम से फिर से जहां पर आप इस आग वाला वीडियो लगाए हैं फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाएं और यहां पर गाइस आपको कुछ ये वीडियो को इंपोर्ट करना है, देन इस वीडियो को भी इंपोर्ट कर लें। स्मोक वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन, देन इसे फिट करें और वन फिंगर से आप इधर कर लें थोड़ा और इसका भी ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चले जाएं, स्क्रीन पर क्लिक करें। अब गाइस आप फिर से स्टार्टिंग टाइम तक आ जाएं, लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाएं और आपको एक व्हाइट कलर का बॉर्डर को इंपोर्ट करना है। तो इस बॉर्डर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, देन इसका ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर देना है जितना दूर आप ये स्टेटस बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्टेटस ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन जितना दूर है उतना ही दूर। तो यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है, देन आप उसका एंड तक चले जाना है, देन आप इस फोटो पर क्लिक करके इस कट को ऑप्शन पर चले जाएं और ट्रिम टू राइट, देन आप क्या करें जो आपका बॉर्डर है उस पर क्लिक करें, इस जगह पर क्लिक करें स्प्लिट स्क्रीन, देन आप इसे फिट कर लें। वेल फिट करने के बाद आप फिर से लेयर पर क्लिक करें, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाएं और आपको इस तरह के लोगो को बना लेना है। अगर आपका ऐसा लोगो नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देखने के बाद आप ऐसा लोगो बना सकते हैं। सॉरी गाइस बहुत स्पीड में कह रहा हूँ। तो गाइस लोगो को एंड तक करने के बाद आप उस लोगो को छोटा कर लें और इस कॉर्नर पर सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपका जो ये स्टेटस है बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारा लेयर्स भी लग चुका है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ऐसे करके गाइस आप बना सकते हो वाले स्टेटस। आई होप आपको ये वीडियो देख पसंद आया, प्लीज चैनल को एक बार विजिट करें एटॉम गेमर्स और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें टेक्निकल सुहेल और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। मिलते हैं गाइस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।